सावन माह के दूसरे सोमवार शिवनाथ नदी तट पर दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। शहर के शिव शक्ति मंदिर में दिन भर अभिषेक के स्वर गूंजते रहे और सभी ने विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। शहर दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी तट किनारे स्थित शिव मंदिर में सावन माह के दूसरे सोमवार पर दिन भर अभिषेक के स्वर गूंजते रहे, जहां शिव भक्तों ने पहुंचकर पूरे विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत कर पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का अभिषेक करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि सावन माह के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में अभिषेक के गूंजते रहे। गौरतलब है कि शहर में स्थित शिवनाथ नदी, जो इन दिनों अपने शबाब में बहने के साथ ही मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालुओं के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस नदी के बहते जल से भगवान शिव को जल अभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंदिर के पुजारी व पूजा करने पहुंची महिला ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी। आज किसी के हिसाब से प्रदोष है और प्रदेश के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष फल मिलता है। जैसे आज के दिन बिलपत्र चढ़ाने से सभी कामनाओं की मुक्ति मिलती है, या मोक्ष की दायनी नदी शिवनाथ है उसके समीप जो भी व्यक्ति आज शिव जी को जल, चावल और बिलपत्र अर्पण करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। सावन के माह में विशेष देवों के देव महादेव हैं, तो सब में क्या सबके ऊपर आस्था बनी हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।